चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंगल, हेडिंग लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंगल। सुनिए बच्चों, जब भी कोई लिक्विड की सरफेस किसी सॉलिड के टच में आएगी, उस टाइम पर वो लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उस सॉलिड पर ऐसे भी चढ़ सकता है और ऐसे अवॉइड भी कर सकता है। इनके बेसिस पर बड़ा हम डिफाइन करते हैं उस पर एक कॉन्टैक्ट एंगल। लेट्स सी क्या कॉन्टैक्ट एंगल है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बड़ा ये ग्लास है और इस ग्लास के साथ बड़ा ये मान लीजिए वाटर है, ये वाटर, ये बड़ा वाटर। तो जैसे ही वाटर को मैं ऐसे ग्लास से टच करूंगा, ग्लास के साथ टच में कांटेक्ट में जब वाटर आएगा तो वाटर हल्का सा, वाटर की जो सरफेस होगी वो हल्की सी बड़ा ऐसे पानी के ऊपर चढ़ जाएगी। अब जहां पर ये एग्जैक्टली टच कर रहा है पानी की सरफेस, जहां पर ये टच कर रही है वहां पर आप एक टेंजेंट खींच दो, खींच दिया बेटा। इसका सॉलिड के साथ मतलब ग्लास के साथ पानी के थ्रू कितना एंगल है, ये वाला कितना एंगल है, दिस एंगल इज डिफाइंड एज अवर कॉन्टैक्ट एंगल बेटा। दिस एंगल इज डिफाइंड एज कॉन्टैक्ट एंगल। अगर ये वाटर और ग्लास हुआ तो इस केस के अंदर बेटा आपका एंगल जो थीटा है ये आपका एक्यूट आता है। इस केस में आपका एंगल थीटा जो है ये एक्यूट आता है, एंगल थीटा जो है बेटा ये 90 डिग्री से छोटा आता है। जिस भी केस में आपका एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा आए, एक्यूट आए, उस केस में जो लिक्विड है वो उस सॉलिड के साथ ज्यादा से ज्यादा सरफेस टच करना चाहता है, उसको अवॉइड नहीं कर रहा बल्कि उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो ये एग्जैक्टली उस सॉलिड को गीला करना चाहता है, वेट करना चाहता है। तो आप ऐसे में ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में लिक्विड कैन वेट द सॉलिड, इस केस में जो लिक्विड होगा बड़ा वो सॉलिड को वेट कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसे हो कि आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड को अवॉइड करे। कैसे, उसका एग्जाम्पल सुनना कि बेटा मान लो कि ये आपके पास ग्लास और इस ग्लास के साथ मैंने टच में मर्क्यूरी रख दी, ये बड़ा मर्क्यूरी है। तो जैसे बड़ा मर्क्यूरी रखोगे तो वैसे बड़ा मर्क्यूरी जो होगी वो ऊपर ना चढ़कर नीचे डिप्रेस हो जाएगी। और एग्जैक्टली ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली इस सॉलिड को अवॉइड कर रही है, ग्लास को अवॉइड कर रही है, ज्यादा एरिया टच नहीं करना चाह रही बल्कि उसको अवॉइड कर रही है। अगेन यहां पर आप मुझसे पूछोगे सर कॉन्टैक्ट एंगल कैसे दिखाओगे, एक काम कीजिए बड़ा आप ये जो पॉइंट जो टच में है यहां पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है। अब ग्लास के साथ इस टेंजेंट का कितना एंगल है थ्रू द लिक्विड, लिक्विड से गुजरता हुआ, दिस एंगल थीटा इज अवर कॉन्टैक्ट एंगल। एंड एज यू कैन सी दैट कि इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल है बड़ा वो ऑप्टिव्स है। मर्करी और ग्लास वाले केस में आपका एंगल थीटा जो है बड़ा वो ऑप्टिव्स है, और थीटा ऑप्टिव्स है इस बात का मतलब ये है कि ये वाला जो लिक्विड है ये इस सॉलिड को अवॉइड कर रहा है, और अगर सॉलिड को अवॉइड कर रहा है इट मीन्स दैट ये उस सॉलिड को गीला करना नहीं चाहता, उसको वेट करना नहीं चाहता। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लिक्विड इज बेसिकली अवॉइडिंग सॉलिड, या फिर बेटा लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि डजंट वेट द सॉलिड, बेटा सॉलिड को वेट नहीं करता। एंगल थीटा 90 डिग्री से कम हो और एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़े हो, इस बात को मैं एक ड्रॉपलेट के थ्रू समझाता हूं, ड्रॉप्स के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। चलिए बेटा ड्रॉप्स के थ्रू देखते हैं अगले पेज पे। अगर आपका एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा हुआ तो क्या होगा, ड्रॉपलेट, ऐसी ड्रॉपलेट जो बड़ा स्फेरिकल है,
इसको मैंने ग्लास के ऊपर रख दिया, ये अपना आपका ग्लास है। जैसे ही ग्लास पर रख दोगे बेटा, मैंने यहां ये वाटर के ड्रॉपलेट रख दिए। जैसे ही वाटर के ड्रॉपलेट को ग्लास के ऊपर रखोगे बेटा, इट विल गेट लाइक दिस। ग्लास तो ऐसे ही रहेगा और आपके जो ड्रॉपलेट है बेटा, इट विल बिकम लाइक दिस। इट विल बिकम लाइक दिस, इट विल बिकम लाइक दिस। और तो और, यहां पर अगर मैंने टेंजेंट खींच दिया इस फ्री सर्फ, बेटा मैंने टेंजेंट खींच दिया, या फिर बेटा मैंने यहां पर टेंजेंट खींच दिया, इसका जो ग्लास के साथ एंगल होगा, ग्लास के साथ जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी द थीटा, दिस एंगल इज नोन एज योर कॉन्टैक्ट एंगल। इसके बजाय अगर हमने कोई ऐसा अरेंजमेंट लिया जिसमें आपका कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज है 90 डिग्री से बड़ा है, ये मान लीजिए मैंने आपके पास एक मर्क्यूरी की ड्रॉपलेट, और इस मर्क्यूरी की ड्रॉपलेट को मैंने ग्लास के ऊपर रख दिया। जैसे ही इस मर्क्यूरी की ड्रॉपलेट को बड़ा ग्लास के ऊपर रखोगे, इट विल गेट लाइक दिस। ये बड़ा आपका ग्लास, एंड इट विल बी लाइक दिस, इट विल लाइक दिस। यह बड़ा मर्क्यूरी की ड्रॉपलेट, और यहां पर अगर आप एक टेंजेंट खींचते हो, हाँ बेटा, अगर आप टेंजेंट खींचते हो लिक्विड के अंदर से, देखना ये आपने टेंजेंट खींच दी, इस टेंजेंट के एंगल बताओ बेटा ग्लास से, लिक्विड के अंदर से गुजरता हुआ, दिस विल बी द एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज। इधर से टेंजेंट खींचना चाहो बेटा, इधर से टेंजेंट खींच दो, एंगल बताओ, इधर से नहीं बेटा, इधर से नहीं, लिक्विड के अंदर से गुजरता, दिस इज योर एंगल थीटा बेटा, दिस इज योर एंगल थीटा। ऑफ कोर्स दिस एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, दिस एंगल थीटा इज एक्यूट। एंगल किधर से होना चाहिए? लिक्विड के अंदर से गुजरता हुआ टेंजेंट और ग्लास के बीच का एंगल होना चाहिए, दिस एंगल इज योर कॉन्टैक्ट एंगल। आई होप इट्स ओके। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि सर किस किस केस के, मतलब ये कभी कभी ये कॉन्टैक्ट एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा क्यों हो गया, कभी कभी ये एंगल 90 डिग्री से छोटा क्यों हो गया, सर ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। कॉन्टैक्ट एंगल जो है ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, कि इस लिक्विड का ग्लास के साथ कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और लिक्विड का लिक्विड के साथ कैसे कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज पहला बेटा कौन सा है, बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स है बेटा वो, एंड ऑफ कोर्स बिटवीन लिक्विड और ग्लास, या बड़ा लिक्विड और जो भी सॉलिड के साथ टच में, लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बड़ा, उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, और बड़ा जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है बड़ा, उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। चलो बड़ा, तुम समझ तो गए होंगे, अगले पेज पे देखते हैं। सुनिए बेटा, जैसे एंगल थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो क्या कहानी है? तो बड़ा कहानी कुछ ऐसी है कि आपका बड़ा ये रहा ग्लास, ठीक है, और इसके साथ बड़ा कोई पानी ऐसे टच में, ये बड़ा पानी बन गया, ठीक है। अब यहां पर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ग्लास के ये वाले मॉलिक्यूल भी खींचेंगे, ये वाले भी खींचेंगे, ये वाले भी खींचेंगे, ये वाले भी खींचेंगे, ये वाले भी खींचेंगे, लेकिन बायसिमेट्री में ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे ग्लास बड़ा ऊपर है उसके लिए वैसे वैसे ग्लास नीचे है,
तो नेट जो फोर्स आएगा वो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ग्लास के कारण जो फोर्स आएगा वो बड़ा ऐसा आएगा ऐसे। और ग्लास के कारण जो फोर्स आएगा उसे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस फोर्स इज बेसिकली एडहेसिव फोर्स। इसी तरह से इन मॉलिक्यूल्स को बड़ा ऑफकोर्स बाकी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी खींचेंगे, वो इधर भी खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे, हर तरफ खींचेंगे। कुल मिलाकर मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल बड़ा जहां पर लिक्विड फैला हुआ है ना उसके बीचों बीच से निकालता हुआ एक फोर्स निकालता हूं। इतना अच्छा बना नहीं, वापस बनाता हूं। ऐसा कोई ना कोई फोर्स हो, इस फोर्स को उन्होंने क्या बोल दिया, कोएसिव फोर्स। इस फोर्स को उन्होंने बोल दिया कोएसिव फोर्स। हालांकि एमजी भी होगा लेकिन एमजी बहुत ही छोटा होगा। इन सब का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है बड़ा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब सुनना इस बात को, ध्यान सुनना। एडहेसिव फोर्स इस केस में बड़ा होगा और कोएसिव फोर्स छोटा होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑफकोर्स एडहेसिव फोर्स की तरफ ज्यादा होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा बेटा, इट विल बी लाइक दिस। जो नेट फोर्स आएगा इट विल बी लाइक दिस। इन दिस केस एडहेसिव फोर्स विल बी मोर एज कंपेयर टू कोएसिव फोर्स, और एडहेसिव फोर्स इज बड़ा मोर देन कोहेसिव फोर्स। तो ऑब्वियस बात है बड़ा, नेट फोर्स जो आएगा वो ऐसे आएगा। और जो आपकी सरफेस होगी, आई होप यू डू रिमेंबर दैट, कि जो सरफेस होती है वो हमेशा नेट फोर्स के बड़ा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो आपकी सरफेस है, जो बड़ा आपकी सरफेस है वो ऐसे रहेगी। कैसे रहेगी, जो आपका नेट फोर्स था उसके परपेंडिकुलर रहे, नेट फोर्स जो बड़ा उसके परपेंडिकुलर। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं एक तरीके से इसको और बोलता हूं, मैं एक तरीके से और बोलता हूं। कैसे, सुनना, कंपोनेंट्स लेके सुनना बेटा। आपके पास बड़ा वापस से ये बड़ा आपका ग्लास और जो लिक्विड है वो बड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, उनको ग्लास खींचेगा अपनी तरफ, अच्छा खासा एडहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो अपनी तरफ खींचेंगे किसी न किसी कोएसिव फोर्स। इस कोएसिव फोर्स का दो कंपोनेंट मान रहा हूं, इस कोएसिव फोर्स का एक कंपोनेंट में मान रहा हूं हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट मान रहा हूं वर्टिकल में। तो वर्टिकल में जो कंपोनेंट आएगा मैंने उसको एफ सी बी लिख दिया है, और हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट है मैंने उसको एफ सी एच लिख दिया है। अब सुनना, अगर आपका एडहेसिव फोर्स इस कोएसिव फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अगर ज्यादा हुआ तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यू आएगा, और उसका और इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा कुल मिलाकर यू आ जाएगा, और आपका नेट फोर्स ऐसे आ जाएगा। नेट फोर्स आपका यू आ जाएगा और आपकी जो सरफेस होगी वो इस नेट फोर्स के बड़ा कैसे आ जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारा जो एडहेसिव फोर्स है वो हमारे कोएसिव फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज्यादा होना चाहिए। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, उसका मैं वर्टिकल कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट लूंगा वो ऐसे आएगा, नेट फोर्स यू आएगा। तो जो सरफेस होगी वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, जो फ्री सरफेस होती है वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। आई होप यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, कि जो भी आपकी फ्री सरफेस होगी वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसा होने के लिए बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडहेसिव फोर्स should be more than horizontal component of cohesive force. कोहेसिव फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे ज्यादा बड़ा हमारा एडहेसिव फोर्स होना चाहिए, तब जाके आपका एंगल थीटा जो है वो एक्यूट रहेगा और तब जाके जो लिक्विड है ये उस सॉलिड को वेट कर पाएगा। यही तो बड़ा बेसिक फंडा था। आगे चले, चलिए बच्चों अगली बार डिस्कस करते हैं कि एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा कब होगा। अब सुनना बेटा, फिर से ये बड़ा आपका ग्लास, इस केस में मान लेते हैं कि बेटा मर्क्यूरी है एंड वी नो दैट कि मर्क्यूरी जो बड़ा सरफेस ऐसे ऐसे बनाएगी,
ठीक है। अब सुनना बेटा, अगेन ये जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर हैं इनको ग्लास जो है वो अपनी तरफ खींचेगा किसी न किसी फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज लेट्स बेटा आपका एडहेसिव फोर्स। फेयर एनफ। जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे अपनी तरफ खींचेंगे, इस बार कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा, एंड दिस इज द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा कि कोहेसिव फोर्सेस के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल में, इसको मैंने बोल दिया है एफ सी एच, और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में जिसको मैंने बोल दिया एफ सी वी। अब इस केस में कोहेसिव फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा वो एडहेसिव फोर्स से बड़ा हो जाएगा। मैंने डायग्राम बनाया भी ऐसा है कि ये वाले एरो बड़ी और ये वाले एरो छोटी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बेटा आएगा ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। नेट फोर्स निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ लो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा नेट रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, ये मेरा नेट फोर्स आएगा। और नेट फोर्स अगर यूं आएगा तो जो आपकी सरफेस होगी वो तो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगी, तो योर नेट सरफेस विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। What is the condition? The condition is कि cohesive force का horizontal वाला जो component है वो adhesive force से बड़ा होना चाहिए। लिखना चाहो थोड़ा लिख भी सकते हैं इस बात को कि for angle theta to be greater than 90 degree, horizontal component of cohesive force is more than adhesive force। ठीक है बेटा, एक बात और बोलूंगा बेटा, अगर cohesive force का horizontal component और adhesive force दोनों बराबर हो गए तो ये वाले दोनों force तो cancel हो जाएंगे, नेट फोर्स बच जाएगा सिर्फ नीचे की तरफ, और नेट फोर्स बच जाएगा नीचे की तरफ तो सरफेस हो जाएगी फ्लैट, और सरफेस अगर फ्लैट हो गई तो आपका कॉन्टेक्ट एंगल कितना हो जाएगा 90। तो एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं मैडम कि कॉन्टेक्ट एंगल 90 का मतलब क्या है। कॉन्टेक्ट एंगल बेटा 90 का मतलब है कि ये रहा आपका सॉलिड और इसके टच में ये रहा आपका लिक्विड, और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ग्लास खींच रहा है अपनी तरफ किसी न किसी एडहेसिव फोर्स से, इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं अपनी तरफ किसी न किसी कोहेसिव फोर्स से, उस कोहेसिव फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ, दैट इज कोहेसिव फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट मेरे प्यारे बच्चों नीचे की तरफ आ गया है, दैट इज कोहेसिव फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों बराबर हो गए, तो जो नीचे की तरफ फोर्स है मेरे प्यारे बच्चों यही हो गया आपका नेट फोर्स, और नेट फोर्स अगर नीचे हो गया है तो हम जानते हैं फ्री सरफेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, तो सरफेस विल लुक लाइक दिस एंड योर कॉन्टेक्ट एंगल विल बी ऑफ कोर्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए कोहेसिव फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बड़ा एडहेसिव फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको कोई सवाल नहीं पूछते, हमारी जस्ट फीलिंग के लिए, हमारे कम से कम इस बात को हमें कम से कम दिमाग में वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई ये किस कारण से आते हैं, बाकी तो ठीक है बेटा, सवालों में इसका कोई खास बड़ा रोल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक बार मैं आपको ट्यूब के अंदर भी दिखाता बेटा कि ट्यूब्स के अंदर कैसे होता है।
चलो बेटा, कॉन्टैक्ट एंगल इन ट्यूब्स। सुनिए बेटा, आपके पास बड़ा ऐसी एक ट्यूब है, ठीक है ना? ऐसे ट्यूब है, ट्यूब का जो रेडियस है बड़ा आपके पास वो आर है। ऐसे स्मॉल आर है, हमने बड़ा इसमें कोई लिक्विड भर दिया ऐसे, पूरा क्लोज्ड है, यहां से बंद है। लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो बेटा थोड़ी सी है ना अलग स्टाइल से होगी। किस अलग स्टाइल से होगी सुनना बेटा, ऐसे मेनिस्कस बनाएगी। ये बना रहा हूं मैं थीटा लेस देन 90 डिग्री के। पानी जो होगा बड़ा ऐसे हल्का सा यूं दोनों साइडों से ग्लास के ऊपर चढ़ जाएगा। यहां पर भी हल्का सा बड़ा ग्लास पर थोड़ा चढ़ जाएगा, यहां पर भी थोड़ा सा चढ़ जाएगा। यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं, लेट्स से, तो इसका यहां से एंगल थीटा, यहां पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो बेटा ये वाला एंगल आपका थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो आपका मेनिस्कस है बेटा, ये जो सरफेस है इसको मैं एक नाम दे रहे बेटा, इट इज मेनिस्कस। ये मेनिस्कस का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। सर, मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर है, इस बात का मतलब क्या है? ये जो मेनिस्कस है ये बेटा अपने आप में किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। ऐसे किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, और जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस बेटा लेट से कैपिटल आर है। इस मेनिस्कस के अंदर, इस मेनिस्कस में जिस तरफ सेंटर होगा उस साइड को बेटा हम नाम देंगे कॉनकेव साइड, और ये वाली जो साइड है बेटा इसका हम नाम देंगे कॉनवेक्स साइड। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, सुनना बेटा, ये पॉइंट एयर में है, मैं इसको ए बोल दूं, और इस सरफेस के जस्ट नीचे बड़ा ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट बड़ा ये बी पॉइंट। ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ये एयर में है इसलिए बड़ा इसका प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक। बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, सोचो बेटा बीच में मेनिस्कस है, मेनिस्कस का सेंटर इस तरफ है, जिस तरफ सेंटर होता है उस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, इधर से इधर आओगे तो प्रेशर घटेगा। यहां का प्रेशर जो होगा, बी वाले पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो ए वाले पॉइंट के प्रेशर के बराबर नहीं होगा, बल्कि माइनस टू टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन आर। आर इज नॉट द रेडियस ऑफ ट्यूब, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। जो मेनिस्कस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो कैपिटल आर है इट इज ऑफकोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। सर निकालेंगे कैसे? बड़ा निकालेंगे, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, ज्योमेट्री से निकल जाएगा, पहले बातें समझ लो। ठीक, ऐसे ही बड़ा मान लीजिए मेरे पास एक ट्यूब और है, बड़ा ऐसे हमारे पास कोई ट्यूब, इस बार हम थोड़ा बड़ा बना लिया।
ग्लास की ट्यूब है बेटा, और मैंने इस बार ना इसके अंदर मरकरी भर रखी है। मरकरी भर रखी है बेटा ऐसे। जैसे बेटा आपने मरकरी भर रखी है, मैं आपको कॉन्टेक्ट एंगल दिखाना चाह रहा हूं बेटा, आपको कॉन्टेक्ट एंगल दिखाने के लिए सारा काम कर रहा हूं। ये आपका मर्क्यूरी है, आपने बेटा यहां पर जो सरफेस टच है वहां पर एक टेंजेंट खींचा, इस टेंजेंट का एंगल लीजिए ग्लास के साथ, बाहर से नहीं बेटा लिक्विड के अंदर से, दिस इज द एंगल थीटा। बेटा यहां पर टेंजेंट खींचिए इसका, ग्लास के साथ एंगल लीजिए लिक्विड के अंदर से, दैट इज एंगल थीटा। दिस एंगल थीटा इज नॉट एक्यूट बट दिस एंगल थीटा इज ऑब्टूस, दिस एंगल थीटा इज ऑब्टूस। ये बेटा एंगल थीटा जो है ऑब्टूस है, और ये बेटा इसका मेनिस्कस है, ये बड़ा इसका मेनिस्कस है। मेनिस्कस का जो रेडियस है बड़ा वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। एक बात, ये वाला जो पॉइंट है बड़ा ये ए है, और इसके जस्ट नीचे बड़ा एक पॉइंट है लेट्स, बड़ा ये वाला पॉइंट बी है। ए जो है वहां पर तो हम जानते हैं कि प्रेशर जो होगा वो पी एटमोस्फेरिक ही होगा, लेकिन बीच में एक सरफेस आ गई है जिसका सरफेस टेंशन एस है, और ध्यान से देखो तो ये कॉन्वेक्स साइड है और ये कॉनकेव साइड है। बी जो है वो सेंटर की तरफ वाला पॉइंट है भाई, ये अगर मेनिस्कस है तो पक्की बात है कि ये मेनिस्कस बड़ा जरूर किसी न किसी बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा। जिस बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, और सेंटर इस तरफ है तो बी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है। बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ऑब्वियस बात है ए पॉइंट पर प्रेशर प्लस टू एस अपॉन आर। आर क्या है? ट्यूब का रेडियस नहीं बेटा, इस मेनिस्कस का रेडियस। मेनिस्कस बेटा किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, एंड लेट्स दैट इज कैपिटल आर, दैट इज ऑफ कोर्स पी एटमोस्फेरिक प्लस टू एस अपॉन आर। आई होप बेटा दोनों केस तुम समझ गए होंगे कि कब एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा, कब एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़ा। ये बेटा एंगल थीटा 90 से कम, वो एंगल थीटा 90 से बड़ा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट पेज। आगे चलो बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ट्यूब एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और रेडियस ऑफ ट्यूब बेटा मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस बड़ा मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर। दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं बड़ा, फिर से थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। सुनिए बेटा, ये हमारे पास बड़ा कोई ट्यूब, और इसकी रेडियस कैपिटल आर, सॉरी इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस। जो मेनिस्कस है बेटा वही है, आराम से सुनना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। हालांकि रिजल्ट अच्छा आएगा तुम लोग याद रख लोगे, बट फिर भी मैं तो प्रूव कर रहा हूं। ये बेटा इस पर टेंजेंट और ये कॉन्टेक्ट एंगल, ये बेटा आपका टेंजेंट और ये एंगल थीटा। मुझे ना इस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इसका मतलब मुझे जिस स्फीयर का ये मेनिस्कस पार्ट है
उस स्फीयर का सेंटर पता करना है और उसके सेंटर की यहां से डिस्टेंस पता करनी है। कर लेंगे पता, सुनना बच्चों। कर लेंगे पता, ये जो मेनिस्कस होगा इट इज पार्ट ऑफ सम इमेजिनरी स्फीयर हूज सेंटर इज लेट से एट दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज नोन एज, क्या नाम मेरे बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस के बीच की जो दूरी है इसको हम कैपिटल आर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस के बीच की जो दूरी है बड़ा, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल आर है। सुनना, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज द सेंटर। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच टोटल एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल हो गया है मेरे पास 90 माइनस थीटा। आराम से देखना बेटा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 होता है, तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल मेरा थीटा। और तो और मुझे पता है कि ट्यूब की ये जो रेडियस है ये तो स्मॉल आर है, मैं बड़े आराम से छोटी सी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि कॉस थीटा इज, इस ट्रायंगल को देखो बेटा, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। चाहो तो मेरे बच्चों याद भी रख सकते हो, हमारा काफी सारा काम तो इससे बन ही जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने बढ़िया से समझा दिया है, बट कॉस थीटा इज रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ये अच्छा रिजल्ट है बेटा, हमारे काम का रिजल्ट है, बहुत सारे सवाल हमारे इस फॉर्मूले से बनते हैं, बनते हैं बेटा अपने पास। ठीक है, बहुत सारे सवाल बड़े अपने बनते हैं। चलिए ये याद रखना है, ये डायग्राम बड़ा मैं एक बार थोड़ा सा और समझाता हूं ना, किसी बड़ा ना समझ में आओ, मैं हल्का सा बड़ा डायग्राम और समझाता हूं। सुनना बेटा, ये आपका स्फीयर एक तरह से बड़ा, ठीक है, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो हिस्सा था ये हमारा मेनिस्कस था, सिर्फ इतना सा, बाकी तो इमेजिनरी बेटा, बाकी तुमने बनाया है। ये जो रीजन था बेटा यही हमारा मेनिस्कस था, जो लिक्विड भरा हुआ था वो बेटा सिर्फ और सिर्फ इस इतने से रीजन के अंदर भरा, बाकी तो हमने बनाया है, बाकी तो हमने बनाया है। ये हमारी उस बड़ा, ये हमारी उस ट्यूब का रेडियस था, दैट वाज स्मॉल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, दिस इज अवर कैपिटल आर, एंड वी सेड दैट है बेटा केड़ा यहां पर एक टेंजेंट आएगा और उसके बाद बड़ा कुल मिलाकर हमारे पास ये वाला एंगल थीटा आ गया। तो हमारा लिक्विड यहां नहीं भरा बड़ा, लिक्विड तो सिर्फ और सिर्फ इस इतने से रीजन में भरा हुआ है, और ये जो रीजन है दिस रीजन इज अवर मेनिस्कस, दिस इज द मेनिस्कस। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। आई होप यू गेट द पॉइंट।
ठीक है बेटा, आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज, दैट इज कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरिटी। बड़ा नेक्स्ट इज कैपिलरी एक्शन या फिर बड़ा कैपिलरिटी। सुनना बच्चों, पहले तो हम ये सोचते हैं कि यार ये कैपिलर क्या है। बड़ा कैपिलर या कैपिलर ट्यूब एक बोथ एंड ओपन ट्यूब है। सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब, बेटा कैपिलरी ट्यूब ऑफ कोर्स ट्यूब है, ट्यूब एंड सॉरी ट्यूब ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। इन जनरल बेटा ये सिलेंड्रिकल होती है एंड एक्सट्रीमली थिन, बड़ा बहुत पतली होती है। मतलब इसका जो रेडियस है बड़ा बहुत स्मॉल होता है, जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा है। सर स्मॉल क्यों, वो देख लेंगे, देख लेंगे कारण बेटा उसके पीछे। ऐसा नहीं कह सकते, कैपिलरी ट्यूब बेटा इन जनरल मेड अप ऑफ ग्लास। एक्सपेरिमेंटली कर देंगे, मेड अप ऑफ ग्लास, बट अक्सर ये ग्लास से या कुछ पॉलीमर्स वगैरह से बनी रहती है इन जनरल। बाकी बेटा ठीक है, और भी मैंने सवाल में तो कुछ भी लिखवा सकता है। ये बड़ा हमारी कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरिटी क्या है सुनना बेटा, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई लिक्विड है ऐसे, वो ऐसा लिक्विड है जिसका एंगल थीटा बटा लेट से एक्यूट है, इसके अंदर मैंने कोई कैपिलरी ट्यूब डुबो दी, इसके अंदर मैंने कैपिलरी ट्यूब ओपन फ्रॉम दिस एंड, ओपन फ्रॉम दिस एंड बट ऐसे डुबो दी। जैसे मैं डुबोऊंगा बड़ा वैसे ही क्या होगा कि जो आपका लिक्विड होगा ना वो ऐसे ऐसे शेप बनाएगा यहां पर, और लिक्विड जो होगा वो ग्लास को खींचेगा ऐसे, ग्लास इसको खींचेगा ऐसे, और थोड़ी देर में लिक्विड ऐसे राइज कर जाएगा और लिक्विड जो होगा ऐसे किसी हाइट तक राइज कर जाएगा ऐसे। क्योंकि जैसे बड़ा एंगल बनाया तो लिक्विड ग्लास को खींचेगा यू, बाय एक्शन रिएक्शन पर ग्लास खींचेगा यू, ग्लास खींचेगा यू, ये वाले कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ऊपर की तरफ जो फोर्स रहेगा उसके कारण लगातार आपका पानी इस तरह से ऊपर जाएगा और किसी हाइट तक चला जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, इसका उल्टा भी हो सकता है अगर एंगल थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो। एंगल थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ और मान लो बड़ा आपका जो लिक्विड है वो ऐसा हुआ, ये बड़ा आपका लिक्विड और आपने किसी कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डिप कर दिया, ऊपर से भी ओपन अंदर से ओपन, तो यहां पर आपका जो लिक्विड होगा ना बड़ा वो एंगल तुम जानते हो कैसे बनाएगा, यहां से लिक्विड जो होगा ना वो इसे डिप्रेस हो जाएगा ऐसे ऐसे। अब ये एंगल बड़ा इस तरह से हो गया, अब जो लिक्विड होगा वो ऑब्वियस बात है कि बड़ा इस ग्लास को खींचेगा ऐसे, जो ग्लास से बड़ा वो लिक्विड को खींचेगा ऐसे, लिक्विड को ग्लास यूं खींचेगा, लिक्विड को ग्लास यूं खींचेगा, तो ये वाले फोर्स कैंसिल, नेट फोर्स आ जाएगा नीचे। इस कारण से क्या होगा कि जो पानी वो हल्का सा डिप्रेस हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा और फाइनल कंडीशन जो है वो आपकी ऐसी आ जाएगी बड़ा, फाइनल कंडीशन आपकी ऐसे आएगी, पानी यहां तक न जाकर बड़ा सिर्फ और सिर्फ पानी जो होगा
ये लो ना, पानी नीचे चला गया, पानी जो है वो नीचे चला गया, डिप्रेस हो गया कुल मिलाकर पानी ऐसे। यहां पर एच हाइट ऊपर चला गया, बड़ा यहां पर एच हाइट नीचे आ गया। इस तरह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी लिक्विड के राइज होने को या फिर डिप्रेस होने को, राइज होने को या फिर नीचे आने को नाम क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। आई होप यू गेट द पॉइंट। क्या कारण है इसके पीछे, क्या ऐसी कैलकुलेशन है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या सवाल है, वही तो सब देखना है ना। चलो देखते हैं, बड़ा चलो देखते हैं। आगे चलो बच्चा, मैं ऐसी कैलकुलेशन करता हूं, दो तरीके से करूंगा बेटा, अच्छी है दोनों कैलकुलेशंस, बहुत ही बढ़िया है और कुछ चीजें सिखाएंगी। मुझे सेकंड कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर लगती है, बट फिर भी बेटा आप तो सारी सुनो है ना। पहला काम सुनना बेटा, ये लिक्विड, इसके अंदर बेटा हमने कोई कैपिलरी ट्यूब का ऐसे डुबोया। पहले मैं एक बड़ा एक बार ना ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर लिक्विड राइज क्यों किया, ठीक है, फिर बेटा हम और चीज़ें भी देख लेंगे, और चीज़ें देख लेंगे। सुनना इस बात को, अब ऐसा मान लेते हैं कि बेटा लिक्विड जो है ऐसे बेटा राइज, ठीक है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ना सरफेस पर ये छोटी सी लेंथ ले ली डीएल, ये डीएल लेंथ ग्लास को अपने कॉन्टेक्ट एंगल के अलोंग यूं खींचेगी, तो ग्लास जो होगा वो लिक्विड को अपनी तरफ यूं खींचेगा, किस फोर्स से, एस इन टू डीएल। ये जो सरफेस थी ग्लास को खींच रही थी ऐसे अपनी तरफ यूं, तो ग्लास इस लेयर को खींचेगा अपनी तरफ यूं, ये एंगल थीटा, तो बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा। इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं डीएल लेंथ लूं, तो अगेन बड़ा कहानी है, ये जो सरफेस वाले जो पॉइंट है ग्लास को खींचेंगे अपनी तरफ, तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर बड़ा ग्लास खींचेगा अपनी तरफ, और जिस फोर्स से खींचेगा बड़ा दैट फोर्स इज एस एन टू डीएल, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा बड़ा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद थीटा। एज यू कैन सी दैट कि एस डी एल का कॉस्टा, एस डी एल का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ एस डी एल का कॉस्टा बचेगा, तो सरफेस टेंशन का कोई ना कोई फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, एंड दैट विल बी ऑफकोर्स इंटीग्रेशन ऑफ नॉट एस डी एल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एल कॉस्टा। दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल बड़ा, this force is responsible for lifting the liquid, liquid को ऊपर की तरफ lift करने के लिए जो जिम्मेदार है बड़ा, वो आपके SDL costa पूरी की पूरी सरफेस पर, यहां पर SDL costa लिख दो, 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 और इन सबको जोड़ दो। ये जो SDL का costa है ये responsible है सारे सारे लिक्विड को ऊपर तरफ उठाने के लिए। फेयर एनफ। चलिए बेटा अब कैलकुलेशन पे आते हैं, अगले पेज पे करते हैं। चलो बेटा ये हमारे पास फ्लूइड, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन एस है, इसका कैपिलरी ट्यूब के साथ जो कांटेक्ट एंगल है बेटा वो थीटा है, ये सब गिवन है, ठीक है। हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है बड़ा, बनाने के लिए बढ़िया बन जाए इसलिए बड़ा थोड़ी कैपिलरी ट्यूब थोड़ी मोटी दिखा देता हूँ, हालांकि हम जानते हैं कि इतनी मोटी कैपिलरी ट्यूब होती नहीं है बड़ा, कैपिलरी ट्यूब जो है वो पतली होगी बस, बड़ा डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए। नीचे से भी ओपन, और कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है बड़ा आपका कैपिलर, सॉरी स्मॉल आर है। लिक्विड राइज किया थोड़ी देर तक तो राइज करेगा,
मान लीजिए बेटा एच हाइट तक गया, एच हाइट तक गया, ये जो आपका कॉन्टेक्ट एंगल है ये बड़ा आपका थीटा दिया हुआ है, यहां पर छोटी सी लेंथ थी डीएल, बड़ा ग्लास अपनी तरफ खींच रहा है एस इंटू डीएल से, ये वाला एंगल थीटा, इसके सामने भी बड़ा ग्लास अपनी तरफ खींच रहा है एस इंटू डीएल से, ये वाला एंगल थीटा, एस डीएल का सेनेटा, एस डीएल का सेनेटा कैंसिल, ऊपर की तरफ कुल मिलाकर बड़ा फोर्स आ गया सरफेस टेंशन का। जो सरफेस टेंशन का फोर्स है मैं उसे बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट सरफेस टेंशन का फोर्स इज सारे के सारे एस डीएल कॉस थीटा को ऐड कर दो, एस कॉस थीटा थोड़ा बाहर आ गया, पूरी सरफेस पे डीएल 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 2πr, दिस लेंथ विल बी 2πr, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है। और कोई फोर्स सुनना बेटा, और भी फोर्स है, यहां पर प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक, यहां पर भी प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक, लिक्विड थोड़ी देर तक तो राइज करेगा 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 करेगा, फिर रुक जाएगा। लिक्विड जैसे रुक गया, अब मैं कहूंगा कि एक कनेक्टेड लिक्विड, ये कनेक्टेड ही है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो पॉइंट, होमोजीनियस कनेक्टेड लिक्विड, अनएक्सेलरेटेड लिक्विड, उन पर बड़ा प्रेशर तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम रहता है, तो यहां का प्रेशर भी पी एटमॉस्फेरिक होगा, यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक, तो यहां का प्रेशर भी पी एटमॉस्फेरिक। चाहो तो बड़ा इसकी अलग से एफबीडी बना सकते हो, मैं बना देता हूं, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, रेडियस है आर, कौन से फोर्स है, एटमॉस्फेयर पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, कितने फोर्स से पुश कर रहे हैं, पी एटीएम इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, अच्छी बात है। सरफेस टेंशन का फोर्स है ऊपर की तरफ, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है ऊपर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा जो लिक्विड है अपने से नीचे वाले लिक्विड को पुश करेगा नीचे, तो नीचे वाला लिक्विड इसको पुश करेगा ऊपर, और जो फोर्स से पुश करेगा दैट विल बी इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर तो मेरे बच्चे बोल चुके हैं कि सर पीएटीएम ही होगा, तो पीएटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ, एक एम जी भी लगेगा, एम जी रफली होगा, रफली रो डेंसिटी इंटू बड़ा ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू बड़ा ऑफ कोर्स ये वाली हाइट, ये तो एम हो गया इंटू जी। सर अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला, बड़ा अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोला क्योंकि मैंने तो पूरे सिलेंडर का एरिया लिख दिया, मुझे इसमें से इस मेनिस्कस का एरिया, सॉरी मैंने तो पूरे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दिया, मुझे मेनिस्कस का वॉल्यूम माइनस करना चाहिए, लेकिन बड़ा मेनिस्कस का वॉल्यूम बहुत कम है, माइनस करो नहीं करो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब सुनना बेटा, ऊपर लग रहा है ये, नीचे लग रहा है ये, ये दोनों तो कैंसिल, पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर, पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर लग रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स कितना, 2πrs cos थीटा, और नीचे लग रहा है रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। कहानी भी समझ गया, अब कहानी है कि सरफेस टेंशन का फोर्स लगातार इस लिक्विड को ऊपर की तरफ राइज करा रहा है, राइज करा रहा है, राइज करा रहा है, जैसे जैसे लिक्विड राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, ये वाली हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, ये वाली हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस कॉलम का वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तक सरफेस टेंशन का फोर्स इस वेट से ज्यादा है तब तक लिक्विड ऊपर राइज करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ऊपर वाला जो फोर्स है वो और ये जो वेट है वो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे बराबर हो जाएंगे बस खींच लिया जितना खींचना है ऊपर, हो गया। एच की वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी।
किस हाइट तक बेटा आपका लिक्विड राइज करेगा, लिक्विड अपने आप इस तरह से राइज करेगा, एंड दिस अपने आप राइज करना इज नोन एज कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरी ट्यूब, और जिस हाइट तक राइज करेगा दैट इज 2h cos θ अपॉन रो आर जी। यू मस्ट रिमेंबर इट मेरे बच्चों, यू मस्ट रिमेंबर इट, याद होना चाहिए। डेरिवेशन भी याद होनी चाहिए, मतलब डेरिवेशन भी दिमाग में सेट होनी चाहिए, भले याद ना, कोई पूछेगा नहीं कि डेरिवेशन क्या है, लेकिन हम तो हर चीज को बेसिक से समझ रहे हैं, हमें हर चीज पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। ये बड़ा हमारा आंसर है सर। वो मर्करी वाला भी कराऊ ना? नहीं कराऊंगा सर। मर्करी में नीचे जाता हुआ वाला भी कराऊ ना? इसमें सर पानी ऊपर आया है, मर्करी वाले केस में सर वो नीचे जाएगा, वो भी तो करो। नहीं बेटा क्यों करूं मैं, मर्करी वाले केस में तेरे थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से बड़ी होगी, तो कॉस थीटा पक्की बात है कि नेगेटिव आएगा, तो अपने आप इसी फॉर्मूले से तेरी हाइट जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, और हाइट अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब लिक्विड जो होगा वो ऊपर नहीं आएगा बल्कि बेटा लिक्विड तो नीचे जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, नीचे जाएगा। मैं अलग से क्यों निकालूं? सर आपने ना एक बात कही थी कि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जितना छोटा होना उतना बढ़िया, सर वो वाली बात क्यों कही थी आपने? इसलिए कही थी रेडियस जितना कम होगा बेटा हाइट तो उतनी ही ज्यादा हो, वरना बेटा अगर कैपिलरी ट्यूब को जाकर तुमने टेस्ट ट्यूब यूज कर लिया तो रेडियस ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बेटा हाइट कोई सिग्निफिकेंट आएगी नहीं, बहुत ही पतली पतली टेस्ट ट्यूब, सॉरी बेटा आपकी कैपिलरी ट्यूब होंगी, जितनी पतली होंगी बेटा तभी तो हाइट अच्छी आएगी, अदरवाइज तो टेस्ट ट्यूब को तुमने नीचे से फोड़ दिया और फिर डाल दो, हल्का सा पानी उठेगा पता नहीं चलेगा। रेडियस कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम रेडियस कम से कम होगी तभी तो हाइट ज्यादा से ज्यादा आएगी, और हमारा तो बहुत काम का है, अपने आप लिक्विड इस तरह से ऊपर राइज कर रहा हमारा तो बहुत काम का है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे दिया जलाते हैं अपन लोग तो घी के अंदर हम बड़ा ऐसे वो रुई डुबोते हैं, तो रुई जो है वो ऑफकोर्स बड़ा कैपिलरीज की तरह काम करती है, और वो जो घी है वो धीरे धीरे से कैपिलरीज के थ्रू ऊपर धीरे धीरे लगातार अपने आप आता रहता है। ट्रीज के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस होता है, जो खाना बनता है, वो तो बड़ा ऑफकोर्स ऊपर ही ऊपर लीव्स पर बनता है, पत्तियों पर बनता है, पत्तियां सबसे ऊपर होती हैं उसे खाना बनाने के लिए, मतलब जो भी मुझे एग्जैक्टली उसके पीछे की बायोलॉजी नहीं पता, लेकिन हमने बचपन में ऐसा पढ़ा था कि उसे वो खाना बनाने के लिए, मतलब प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए। सनलाइट तो चलो लीव्स के पास डायरेक्ट आ रही है, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी आ रहा है ज़मीन से। ज़मीन से कौन ला रहा है? रूट्स ला रही हैं। तो रूट्स कैसे पानी ऊपर तक पहुंचाती है? ऐसे नहीं कि सुबह सुबह ना रूट्स मोटर चलाती हूँ, वो मोटर चलेगी फिर पानी ऊपर जाएगा, नहीं, वो जो रूट्स हैं उनके अंदर पतले 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 बड़ा जाइलम्स होते हैं, किसी भी ट्री को कट करोगे तो छोटे छोटे वो जाइलम्स नजर आते हैं, बिल्कुल पतले 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 कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। वो कैपिलरी ट्यूब कहाँ से कहाँ तक होती हैं? वो कैपिलरी ट्यूब ऑफकोर्स रूट से लेकर लीव्स तक होती हैं, और जो भी पानी उस ग्राउंड के अंदर पड़ा होगा वो जैसे उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एंटर करेगा वो चलते 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 अपने आप कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरिटी के कारण लगातार ऊपर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा बेटा, कहाँ पर? ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं बेटा? अपने आप लिक्विड राइज कर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बेटा याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखना है, सवाल करेंगे बेटा। लेकिन एक छोटी सी डेरिवेशन और मैं क्लियर बोल दूं कि मेरी फेवरेट यही है, मतलब आगे आने वाली, ये तो फोर्स वाले थी बेटा। फोर्स वाले तो मैंने इसलिए करा है कि मैं आपको फील दिलाना चाह रहा था कि देख बेटा कैसे पी एटमोस्फेरिक इंटू पाई आर स्क्वायर और पी एटमोस्फेरिक इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो सरफेस टेंशन का फोर्स था वो इस कॉलम के वेट के बराबर हो गया। ये फील कराने के लिए इतना सारा काम किया बेटा अपन ने। एक डेरिवेशन और है, चलो बेटा डेरिवेशन सुनो। ये आपका लिक्विड ये बेटा आपका कैपिलरी ट्यूब, बाकी बेटा बातें आपको पता ही, वापस से बेटा लिख देता हूं। चलो लिक्विड की डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन एस, कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। लिक्विड बेटा राइज किया, राइज करते 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 किसी एक लेवल तक तो राइज किया और फिर रुक गया, और उसके बाद मेनिस्कस बन गया ऐसे। इस मेनिस्कस का जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल आर है, ट्यूब का जो रेडियस है बेटा वो स्मॉल आर है, कॉन्टेक्ट एंगल मेरे प्यारे बच्चे थीटा है।
और यहां से यहां तक की जो हाइट है बेटा ये h है, ये h मुझे निकालनी है बेटा। हाइट चाहे तुम यहां से यहां तक की मान लो, चाहे यहां से यहां तक की मान लो बेटा, मैंने मैंने डिस्कस की तो बेटा बहुत ही छोटी सी हाइट मानी है, कैलकुलेशन में लेनी नहीं है। ठीक, अब सुनना बेटा, अब मजे की बात यह है कि ये तो ओपन टू एयर है, तो यहां का प्रेशर है पी एटमोस्फेरिक। ये वाला पॉइंट भी ओपन टू एयर है, तो यहां का प्रेशर भी है पी एटमोस्फेरिक। ये एक कंटिन्यूस होमोजीनियस लिक्विड है और ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो यहां का प्रेशर भी होगा पी एटमोस्फेरिक। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहां भी प्रेशर पी एटमोस्फेरिक और यहां भी प्रेशर पी एटमोस्फेरिक, आपने तो कहा था कि नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है, तो सर बराबर कैसे हो गया? बड़ा बराबर इसलिए हो गया क्योंकि रो जीएल के कारण तो प्रेशर बढ़ेगा और एक कारण से घटेगा। कौन सा कारण है अभी देखना। ये मेनिस्कस है और ये मेनिस्कस की कॉनकेव साइड और ये कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड की तरफ जाओगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है तो यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक नहीं होगा बल्कि पी एटमोस्फेरिक माइनस टू एस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम जानते थे बेटा, ये मेनिस्कस है, सेंटर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, इस तरफ प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? 2s अपॉन r, r इज नॉट द रेडियस ऑफ ट्यूब, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां से अगर मैं h हाइट नीचे आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भाई? पहले से तुम्हारे पास p atm माइनस 2s अपॉन r था, h हाइट नीचे आओगे रो डेंसिटी लिक्विड की तो बढ़ेगी रो इंटू जी इंटू एच। ये तो यहां पहुंच गए, यहां पर तुम्हें पहले से पता है कि प्रेशर की वैल्यू होगी पी एटमोस्फेरिक। पी एटमोस्फेरिक, पी एटमोस्फेरिक मेरे प्यारे वाले बच्चों कैंसिल हो गई और हमारे पास बड़े आराम से आ गई है रो जी एच इज इक्वल्स टू टू एस अपॉन आर, और एच की वैल्यू आ गई है टू एस अपॉन रो जी आर। सर आपने अभी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं सिखाया था, यही सिखाया था, बस उसमें स्मॉल आर था, कैपिटल आर है और स्मॉल आर और कैपिटल आर तो मैं कन्वर्ट करने आते हैं। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस एंड स्मॉल आर है रेडियस ऑफ क्या नाम है उसका, ट्यूब, कैपिटल ट्यूब। सवालों में रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस नहीं दे रखा होता, सवाल में तो बड़ा रेडियस ऑफ ट्यूब रखा होता है। तो मेरे बच्चे बोले सर कोई बात नहीं, सर गुस्सा मत करो, रो जी रेडियस ऑफ ट्यूब को लिख सकते हैं, सॉरी बेटा रेडियस ऑफ मेनिस्कस को लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन कॉस थीटा। प्यारे वाले बच्चों फॉर्मूला याद था ना इमेज का, वही बड़ा आपके पास आंसर आ गया, एच इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ये फॉर्मूला बेटा, हालांकि मुझे तो ये वाला फॉर्मूला पसंद है वैसे, लेकिन चलिए बेटा बच्चे मोस्टली बेटा ये वाला ही आपका। ठीक है ना, एग्जांपल बेटा, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 10,000 केजी पर मीट्रिक क्यूब, कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है बड़ा वो है 0.1 मिलीमीटर, एंगल थीटा जो है कॉन्टैक्ट एंगल है वो बड़ा 143 डिग्री, सरफेस टेंशन जो है बड़ा वो है 0.05 न्यूटन पर मीटर, फाइंड एच। बड़ा जहां एच मतलब ना किस हाइट तक बड़ा कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये लिक्विड राइज करेगा, ये पूछा जानबूझ के मैंने ऐसे वैल्यूज दिए। सुनो, h इक्वल्स टू टू टाइम्स s, बड़ा सीधा लिख दो 0.05 इंटू कॉस 143 डिग्री, बड़ा कॉस 143 डिग्री इज बेसिकली कॉस 90 प्लस 53, दैट इज ऑफ कोर्स माइनस साइन 53। साइन 53 इज बड़ा कितना, 4/5, तो माइनस 4/5 अपॉन रो,
रो है बेटा 10^4, जी बेटा 10, आर आर कहाँ गया बेटा, 0.1 मिलीमीटर था क्या, कहाँ गया 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 × 10^-3, ये बेटा आपके निपट गया। हाइट की जो वैल्यू आ गई बड़ा वो आ गई है 2 × 4 × 0.01/10 मीटर। ठीक है बेटा, इसको मैं 0.8 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, इसको मैं 8 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ। सॉरी बेटा, माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन भी। ये माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा, माइनस साइन बता रहा है कि लिक्विड राइस नहीं हुआ, लिक्विड तो डिप्रेस हुआ। तो डिप्रेशन के लिए बेटा अलग से मैं फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। तो आंसर आ गया है कि 8 मिलीमीटर जो है वो डिप्रेस हुआ। फॉर्मूला याद रख लोगे, है ना। चलो अगला सवाल बेटा। हाँ, ये बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट हो गई, ये लिक्विड वाटर है बेटा 10^3 केजी पर मीट्रिक क्यूब, सरफेस टेंशन बेटा 0.075 न्यूटन पर मीटर ऑफ कोर्स, एंगल थीटा बेटा वैसे तो 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए बेटा मोस्टली सवाल में 0 डिग्री दे रखा होता है। ठीक है, ग्लास के साथ बड़ा, ये ग्लास की बड़ा कैपिलरी ट्यूब, ठीक, इसमें पानी राइज कर गया ऐसे, पानी राइज कर गया ऐसे 15 सेंटीमीटर तक। फाइंड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, बड़ा कैपिलरी ट्यूब की रेडियस बताओ। कर दो बेटा, क्या फॉर्मूला था, हाइट इक्वल्स टू 2s cos θ / ρ r g, रेडियस को तुम लिख सकते हो 2s cos θ / ρ h g, एच को लीजिए 2 times, बड़ा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज 0.075, कॉस 0 तो बड़ा 1 होता है, रो बड़ा वाटर की डेंसिटी 10^3, एच कितना बड़ा 15 सेंटीमीटर तो 0.15, जी बड़ा आपका 10, ये रेडियस बड़ा आपका। बड़ा ये 2 0 गए तो बड़ा यहाँ 0 लग गया, 7.5/15 बड़ा ये 2 आ गया, 2 से बड़ा आपका 2 कैंसिल हो गया, थोड़ा मेरे ख्याल से ये तो 1/10^4 आ गया, बड़ा ये 10^-4 मीटर आ गया या फिर 0.1 मिलीमीटर आ गया, जैसे बड़ा पसंद करो वैसे। तो ट्यूब की जो रेडियस है बड़ा वो 0.1 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज चलो बच्चों आगे चलते हैं यार ना। नेक्स्ट इज बेटा एक सवाल करते हैं। हाँ बेटा, एक सवाल करते हैं बेटा, सुनिए बेटा, आपके पास ये लिक्विड है जिसकी सरफेस टेंशन है ऐसे, और जो भी लिक्विड, जो भी मैं सॉलिड इसमें डिप कर रहा हूँ उसके साथ कॉन्टैक्ट एंगल इसका थीटा है, थीटा, और इसके अंदर बेटा मैंने ना एक कॉन टाइप अरेंजमेंट है उसको ऐसे डिप कर रखा है, कॉन टाइप अरेंजमेंट है बड़ा, उसको डिप कर रखा है ऐसे, ओपन है बेटा नीचे से, तो
डिप कर रखा है डबल ऐसे, ठीक है। और ये जो बड़ा वर्टेक्स एंगल है ये गिवन है कि ये अल्फा है। इस सॉलिड में और इस लिक्विड के बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो थीटा है, सरफेस टेंशन बड़ा आपकी एस। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक। लिक्विड इसमें राइज हुआ, ठीक है, और लिक्विड राइज होते हुए लेट से बड़ा यहां तक पहुंच, लिक्विड यहां तक पहुंचा बेटा, लिक्विड राइज होते होते यहां तक पहुंचा। यहां जब पहुंचा तो बेटा ये जो रेडियस है बेटा ये आपकी बी है। मुझे ये वाली हाइट निकालनी, मुझे बेटा ये वाली हाइट निकालनी, ये वाली हाइट निकाल। फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, लॉजिक से बनेगा। फॉर्मूले से बड़ा बात नहीं बनेगी। फॉर्मूला तब था जब सिलेंड्रिकल शेप था, अब बड़ा फॉर्मूले से बात थोड़ी बनेगी यार, अब तो लॉजिक से बात बनेगी। या तो बड़ा फोर्सेस बैलेंस करो, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है इसका जो mg है, प्रेशर प्रेशर है बड़ा, उनको लिखो, फोर्सेस लिखो, या फिर बड़ा आपका जो क्या कहते हैं उसका यार, एक्सेस प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है उससे करो, किसी न किसी से तो आंसर आएगा, कर लेंगे अपन। ज्यादा आसान बड़ा ऑफ कोर्स एक्सेस प्रेशर वाला तरीका है वो, ज्यादा अच्छा है। सुनिएगा इत्मीनान से बड़ा सुनना, जैसे जैसे अगर मैं यहां पर ले आऊं तो ये मेरे पास सेमी वर्टेक्स एंगल आ गया, दिस सेमी वर्टेक्स एंगल इज ऑफ कोर्स अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू, तो बाइसिमेट्री बेटा ये वाला एंगल भी अल्फा बाई टू, ये वाला एंगल अल्फा बाई टू, तो बेटा ये वाला एंगल भी अल्फा बाई टू, ठीक। ये ओपन है तो बेटा यहां का प्रेशर है पी एटमोस्फेरिक, ये ओपन है तो यहां का प्रेशर विल बी पी एटमॉस्फेरिक। ये हमारे पास एक कनेक्टेड लिक्विड है अनएक्सेलरेटेड, तो यहां का प्रेशर भी पी एटमॉस्फेरिक। अब मेरे मन में क्या प्लान हो तुम जानते हो, यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक होगा, बीच में कोई कर्व्ड सरफेस होगी ऐसे, तो उसके कारण जस्ट इस कर्व्ड सरफेस के नीचे जो प्रेशर होगा बड़ा वो ऑफकोर्स पी एटमॉस्फेरिक माइनस टू एस अपॉन आर होगा। यहां से एच डिस्टेंस नीचे आऊंगा और यहां पहुंचूंगा तो यहां मेरे पास प्रेशर आ जाएगा पी एटमॉस्फेरिक माइनस टू एस अपॉन आर प्लस रो इंटू जी इंटू एच, एंड ऑफकोर्स इट शुड बी इक्वल टू द प्रेशर हेयर दैट इज ऑफकोर्स पी एटमॉस्फेरिक। पी एटमॉस्फेरिक पी एटमॉस्फेरिक हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एच की जो वैल्यू है बड़ा हुआ जाएगी 2s अपॉन रो जी आर। हालांकि ये फॉर्मूला बड़ा काफी तक वैसा ही आ गया, वहां भी ऐसा आया था, लेकिन वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेनिस्कस बनाया उसका लिखना आसान था, वहां पर तो सिलेंड्रिकल शेप थी, यहां मुश्किल है। लेकिन मुश्किल फिजिक्स थोड़ी है, मुश्किल तो ज्योमेट्री है। ये जो आपका मेनिस्कस बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहां पर तो मैंने याद कर लिया कि सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ ट्यूब कैसे वेरी करती है, हमने लिख दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन कॉस थीटा, बड़ा आसान था। यहां पर मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। हालांकि अगर देखे तो ये वाला फॉर्मूला काफी तक वही आ गया जो मैंने पहले से याद कर रखा था, लेकिन यहां पर जो आर है वो तो इस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसे कैसे लिखे, लिख लेंगे पर लेकिन उसमें फिजिक्स थोड़ी लगेगी बेटा, उसमें तो मैथमेटिक्स लगेगी, एप्टीट्यूड लगेगा, और वो तुम्हारी अच्छी है ना, मेरी अच्छी, मैं करता हूं, मैं करता हूं। सुनो बेटा, ऐसे मान लेते हैं एक बार के लिए, हमारे पास बेटा जो सरफेस है इट विल बी लाइक दिस,
और ग्लास के साथ या बड़ा जो ट्यूब है उसके साथ ये जो टेंजेंट बना हुआ है ये आपका कॉन्टेक्ट एंगल है थीटा। ये एंगल आप वर्टिकल से पहले ही निकाल चुके हो अल्फा बाय टू, यहां पर दिखा देता हूं। ये एंगल बेटा आपका अल्फा बाय टू, ये बेटा आपका टेंजेंट, और टेंजेंट का बेटा इस ट्यूब के साथ जो एंगल है वो कॉन्टेक्ट एंगल है थीटा। दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींचो, ये क्या आएगा नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींचो, क्या आएगा नॉर्मल। नॉर्मल और नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्योमेट्री है यार, मैं मतलब दिमाग में क्यों कीड़ा क्रिएट करूं, ज्योमेट्री बेटा। अब ज्योमेट्री ज्योमेट्री होती है यार, ठीक है। किसी बच्चे की ज्योमेट्री नाइन्थ क्लास में हो सकता है इतनी अच्छी हो, बेटा किसी को टाइम लगता है, अलग अलग बातें यार, ठीक है। लेकिन हाँ हमारी अच्छी है, अपन तो फोटो किड्स है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे सवाल के अंदर बी दे रखी है। अब सुनना बेटा, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच टोटल एंगल 90 होता है। ये वाला एंगल थीटा प्लस अल्फा बाय टू है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय टू है। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल 90 होता है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय टू है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल थीटा प्लस अल्फा बाय टू है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अब तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम बड़े इत्मीनान से बोलेंगे कि कॉस थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी बेटा थीटा नहीं है, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू cos थीटा प्लस अल्फा बाय टू शुड बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स आउट बी बी अपॉन cos थीटा। इस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो यहां का प्रेशर पता है, तो यहां का प्रेशर पता है, यहां का प्रेशर पता है तो यहां से रोजिए से यहां का प्रेशर पता है। ये प्रेशर बड़ा पीएटीएम के बराबर होगा, और उनको सॉल्व करते हमारा आंसर आ गया, हमारे एच की वैल्यू आ गई। बड़ा बोलना क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास, आ गई है 2s अपॉन रो जी आर। बड़ा व्हाट इज आर, आर इज बी अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू। दिस इज अवर आंसर। This is not a standard result to remember. Of course, बड़ा कोई ऐसे कोई conical type हमारे course में थोड़ी है, लेकिन IIT advanced सवाल पूछा है। कल को कोई और shape size geometry आ गई तो ठीक है, मैंने तो बेटा ठीक है excess pressure वगैरह सिखाएं, बाकी geometry है बेटा, geometry तो खुद handle करनी चाहिए। मैंने करके दिखा दिया, कल को बेटा मान लो कि कोई और shape size geometry आ गई तब भी हमें सवाल बनना चाहिए। geometry based कोई सवाल आता है तो बनना ही चाहिए बेटा, हमसे छूटना थोड़ी चाहिए, ठीक है। आई होप वी गेट द पॉइंट। अच्छा सवाल था बेटा, बढ़िया सवाल था, बढ़िया बातें थी। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट लास्ट हेडिंग लिखिए बेटा, व्हाट इफ कैपिलरी ट्यूब is of insufficient length। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक है अपना, आराम से पढ़ते हैं। मैं इसको एक सवाल के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आराम आराम से अच्छे से सुनना, ठीक है। एक सवाल है बेटा, ठीक है। सवाल ऐसा है बेटा, आपके पास वाटर है, डेंसिटी मेरे बच्चों 10 raised to power 3
केजी पर मीट्रिक क्यूब। कॉन्टैक्ट एंगल बेटा बहुत छोटा है, 0 डिग्री मान लो, और सरफेस टेंशन के जो वैल्यू है बेटा वो 0.08 न्यूटन पर मीटर है, और जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस बेटा मेरे पास 0.1 मिलीमीटर है, ठीक। और इस लिक्विड के अंदर हमने बेटा एक ट्यूब जो है ऐसे डुबो दी, कैपिलरी ट्यूब डुबो दी, मैंने कहा ना बेटा इसका रेडियस कितना है 0.1 मिलीमीटर। लिक्विड ऑफ कोर्स राइज करेगा, कांटेक्ट एंगल तो बेटा 90 डिग्री से छोटा है तो लिक्विड तो राइज ही करेगा। तो सवाल बेटा बहुत ही सिंपल सा पूछ रहा हूं कि कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। फाइंड हाइट टिल विच लिक्विड विल राइज, बेटा किस हाइट तक लिक्विड राइज करेगा बताओ। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू 2S cos थीटा अपॉन रो आर जी, बेटा रो कितना है 10^3, रेडियस 0.1 मिलीमीटर, उसको मैं 10^-4 लिख सकता हूं, और जी ये तो निपटी गया बेटा, ये 0.16 आ गया, 0.16 मीटर या फिर बेटा दैट इज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हाइट तक बेटा पानी लगातार राइज करेगा, फिर रुक जाएगा। अब मेरा सवाल बेटा तुमसे ये है, ये तो हो गया, सवाल हो गया, डन है, सबका आंसर आ गया, बट चलो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कैपिलरी ट्यूब जो है वो कम लेंथ की यूज करूं, और इतनी कम लेंथ की यूज करूं कि कैपिलरी ट्यूब जो है वो पानी के सरफेस से सिर्फ ऊपर 8 सेंटीमीटर तक ही हो, 16 सेंटीमीटर तो उसकी हाइट ही ना हो, 16 सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ ही ना हो, सिर्फ कैपिलरी ट्यूब इतनी लंबी हो कि जो बेस है पानी की जो सरफेस है उससे सिर्फ 8 सेंटीमीटर ऊपर तक ही आपकी ट्यूब है, फिर आपकी ट्यूब खत्म हो गई है, इनसफिशियंट लेंथ है उसकी, तो क्या होगा। बच्चा सोचने के बाद सोचता है कि सर पानी तो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, उसे तो सर 16 सेंटीमीटर तक जाना था, 8 सेंटीमीटर तक ही गया तो फिर सर वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ऐसे यूं ओवरफ्लो करना चाहिए, ऐसे ओवरफ्लो करना चाहिए, नहीं बेटा ओवरफ्लो नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा, कैलकुलेशन तो ये कह रही है, कैलकुलेशन में एक हल्का सा लोचा पड़ जाएगा, सुनना इस बात को। देखो जो आपकी मेनिस्कस थी वैसी थी कॉनकेव शेप की, ठीक है, पानी धीरे ऐसे कर लूँ पानी धीरे 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 ऊपर राइज हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स याद करो कितना आया था, एस इंटू 2πr cos थीटा, थीटा इज ऑफकोर्स कॉन्टेक्ट एंगल, यूं चलते 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 ऊपर आया, ऑफकोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स बड़ा है और mg छोटा है, mg क्यों छोटा है भाई, mg तो इसलिए छोटा है क्योंकि 16 सेंटीमीटर जो कॉलम है ना उसके अंदर जितना लिक्विड आता है उसके वेट के बराबर सरफेस टेंशन लग रहा है, तो सरफेस टेंशन तो बड़ा है और कॉलम तो बड़ा, ऑफकोर्स जो जहां तक बड़ा पानी है वो 16 सेंटीमीटर का है ही नहीं, तो पानी धीरे 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 ऊपर आएगा क्योंकि आपका सरफेस टेंशन का फोर्स बड़ा है। अब जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, अब सरफेस टेंशन बड़ा और mg छोटा है क्योंकि mg तो बड़ा बराबर तब होता है जब कॉलम की लंबाई कितनी होती है 16 सेंटीमीटर और आपने बेटा पानी आपने ट्यूब ही कितनी ले रखी है, पानी के सरफेस से 8 सेंटीमीटर ऊपर ले रखी है, तो पानी का सेंटर ऑफ मास और ऊपर आएगा। गौर करना, देखो पहले मेनिस्कस ऐसे था, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है नीचे वाला फोर्स छोटा है, तो पानी का जो मेनिस्कस ऐसे था वो यूं हो जाएगा। जैसे ही मेनिस्कस, देखो पहले मेनिस्कस ऐसे था, अब जैसे ही मेनिस्कस यूं हुआ तो जो पहले आपके टेंजेंट ऐसे थे वो टेंजेंट यूं हो गए, और जैसे टेंजेंट यूं है वो चेंज हुए, इसका मतलब आपका एंगल थीटा चेंज हुआ, कौन सा कॉन्टेक्ट एंगल चेंज हुआ, बल्कि वो बढ़ा, कॉन्टेक्ट एंगल बढ़ा तो कॉस थीटा घटा तो ऊपर की तरफ लगने वाला जो क्या नाम है बेटा सरफेस टेंशन का फोर्स था S इंटू 2πr cos थीटा वो घटा, और ऐसे एंगल थीटा बढ़ते 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 cos थीटा घटते 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 सरफेस टेंशन का फोर्स घटते घटते कभी ना कभी ऐसा आएगा कि सरफेस टेंशन का फोर्स घटते घटते इस वेट के बराबर हो जाएगा, इस वेट के मतलब जो 8 सेंटीमीटर की हाइट तक जो लिक्विड भरा हुआ ना उसके वेट के बराबर हो जाएगा, और बस ना तो लिक्विड बाहर निकलेगा, कोई लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा और बड़ा बस अरेंजमेंट पड़ रहेगा। तो हम क्या सीखें,
हम ये सीखे कि अगर इनसफिशियंट अगर हाइट तक अगर आपने बड़ा कैपिलरी ट्यूब रही तो पानी उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, फिर उसका एंगल थीटा वेरी करेगा, कॉन्टैक्ट एंगल वेरी करेगा, और कॉन्टैक्ट एंगल इस तरह से वेरी करेगा कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो बाकी बचा हुआ जो कॉलम है ना उसके वेट के बराबर फोर्स लगा ले। तुम बेटा इस बात को लिखना चाहूंगा, फिर अपन अगला सवाल पूछेंगे, वैल्यूज ये रखेंगे, वैल्यूज ये रखेंगे। इफ लेंथ ऑफ ट्यूब अबोव लिक्विड सरफेस इज लेस देन 16 सेंटीमीटर, इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा बेटा, 16 मैंने बेटा ये लेंथ ही मान लो 16 सेंटीमीटर से कम रखे तो क्या होगा, इज लेस देन 16 सेंटीमीटर देन क्या क्या होगा। पहला पॉइंट, लिक्विड विल राइज अप टू टॉप एंड स्टॉप्स, ऊपर तक जाएगा और रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट, वॉन्ट ओवरफ्लो, बड़ा ओवरफ्लो नहीं करेगा। सर ओवरफ्लो नहीं करेगा तो ऊपर की तरफ जो लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स है वो एमजी को बैलेंस कैसे करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स तो बड़ा है एमजी छोटा है। अब आपके सरफेस टेंशन का फोर्स घटेगा, कैसे घटेगा, कॉन्टेक्ट एंगल विल इंक्रीज। सर कॉन्टेक्ट एंगल कैसे इंक्रीज हुआ, बड़ा फील दिला है ना आपको, पहले आपका पहले आपकी सरफेस ऐसी थी, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है नीचे वाला फोर्स छोटा है, तो आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर आएगा पानी का, सेंटर ऑफ मास ऊपर आने के चक्कर में बड़ा पानी यूं हल्का सा ऊपर आएगा, जैसे पानी हल्का सा यूं ऊपर आया बड़ा कॉन्टैक्ट एंगल तो बढ़ गया, जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ा आपका कॉस थीटा घटा, कॉस थीटा घटा तो आपके सरफेस टेंशन का फोर्स घटा, सरफेस टेंशन का फोर्स घटते 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 बड़ा वापस से सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो एम जी के बराबर आ जाएगा। व्हाट इज दिस एम जी, दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम, दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड इन कॉलम, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड इन कॉलम, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड इन कॉलम। ठीक है, अब अगला सवाल इसी के अंदर, इसी के अंदर इन प्रीवियस क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव वाटर सरफेस इज only 8 centimeters, comma, what will happen? क्या होगा बेटा, पहली बात water will not overflow, water बेटा overflow नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका जो contact angle था वो change होगा, ये बड़ा जो हाइट है ये आपकी बड़ा सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, कॉन्टेक्ट एंगल आपका बढ़ेगा, अब 0 डिग्री नहीं रहेगा, दिस एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री नाउ, अब ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू है एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला एम जी, PATM into pi r square, PATM into pi r square तो मैनेज हो गए, दिस शुड बी इक्वल टू mg, mg क्या होगा, रो रो into pi r square into h into g,
बड़ा ऑफिस से कहा नहीं तो बड़ा ऑफिस से वही है, ए पाई से पाई कैंसिल, आर से बड़ा आर कैंसिल, बस मैं कॉस थीटा को अब बड़े आराम से लिख सकता हूँ रो आर जी एच अपॉन टू एस। और रो कितना है बेटा 10^3, आर कितना है बेटा 10^-4, जी कितना है बेटा 10। कितनी हाइट तक बेटा आप ने पानी भर रखा है बेटा, इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका 8 सेंटीमीटर था, तो 0.08 अपॉन टू एस बेटा, एस मैंने कितना दिया था बेटा, वो शायद 0.08 ही था, चेक करना। सरफेस टेंशन कितनी थी 0.08। ये दोनों कैंसिल, 10^3 बड़ा कैंसिल, दैट कम्स आउट बी हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है हाफ, बड़ा थीटा की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, बड़ा थीटा की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, आपका कॉन्टेक्ट एंगल चेंज हो गया। और ध्यान से देखो कि पहले आपका एक्चुअल में कॉस थीटा जो था वो 1 था, इन दिस केस आपका थीटा बढ़कर कॉस थीटा हाफ हो गया। सर ये कॉस थीटा हाफ क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो आपका सरफेस टेंशन का जो फोर्स था और अब जो सरफेस टेंशन का फोर्स है ये बराबर नहीं है, बल्कि ये वाला सरफेस टेंशन का जो फोर्स है इस सरफेस टेंशन का हाफ है। क्यों? क्योंकि पहले सरफेस टेंशन का जो फोर्स था वो 16 सेंटीमीटर हाइट तक जितना पानी आ रखा था उसके वेट को बैलेंस कर रहा था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर हाइट तक जो वाटर है उसके वेट को बैलेंस करना है, तो ऑफ कोर्स एमजी हो गया कम, तो हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स भी घटना चाहिए। कैसे घटेंगे? कॉस थीटा को बढ़ा दो, कॉस थीटा को घटा दो, कॉस थीटा को घटा क्या कर दो, आधी कर दो, पहले 1 थी अब हाफ कर दो, थीटा कितना हो गया 60, बड़ा थीटा कितना हो गया 60। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं फिर भी बड़ा इस बात के कुछ फॉर्मूले निकाल सकता हूं, मैं इसके फॉर्मूले निकाल सकता हूं। जैसे मान लो बेटा एक्चुअल वाले केस में हाइट इज, सॉरी बेटा, 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, यही याद करते हैं। दूसरा केस, इनसफिशियंट लेंथ ऑफ ट्यूब, और ट्यूब की जो लेंथ है वो मान लेते हैं एच डैश है, एंड ऑफ कोर्स एच डैश इज लेस देन एच, तो आप बोलो सर एच डैश, फॉर्मूला ऑफिस से वही है, एच डैश इक्वल्स टू 2s cos थीटा डैश अपॉन रो आर जी। एक्चुअल जितनी हाइट आनी चाहिए उसके मुकाबले नई वाली हाइट जितने टाइम्स लेस होगी कॉस थीटा भी उतने ही टाइम्स लेस होगा। पानी जाना था, जाना चाहिए था 16 सेंटीमीटर पे, तुम सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक जाने दे रहे हो, ऊपर की बेटा तुम काट चुके हो, फेंक चुके हो उसको, तो कॉस थीटा भी हाफ हो जाएगा। और हम यहां से अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डैश अपॉन कॉस थीटा। चाहो तो मेरे बच्चे याद कर सकते हो, ना भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है। इसी एच को मेरे बच्चे एक तरीके से और बोलेंगे कि सर आपने एक तरीके से और सिखाया था, दैट इज 2s अपॉन रो आर जी। ये आर क्या है बड़ा, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। अब बेटा पानी एच हाइट तो तुम जान ही नहीं दे रहे हो, तुमने पाइप ही बेटा उससे कम हाइट की रखी है, तो अब क्या होगा, अब होगा एच इज इक्वल्स टू 2s अपॉन रो आर जी, आर नहीं बेटा आर डैश, हाइट चेंज तो आर डैश चेंज। अगर आपने हाइट 16 सेंटीमीटर तक पानी जाना चाहिए था, आपने सिर्फ ट्यूब की हाइट सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक ही रखी है, तो हाइट आधी रखी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पक्की बात है मेनिस्कस का डबल हो गया है। पहले जो आपका मेनिस्कस था वो ऐसा था, अब आपका जो मेनिस्कस है इट इज मोर फ्लैट, पहले आपका मेनिस्कस ऐसे था, अब बड़ा पानी ऊपर आते 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 दिस स्फीयर इज गेटिंग मोर फ्लैटर, जितना फ्लैटर रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है कि दिस आर डैश इज मोर देन आर। एक्चुअल जो मेनिस्कस था वो छोटे रेडियस का पार्ट था, छोटे स्फीयर का पार्ट था, फिर पहले तो मेनिस्कस ऐसा था,
पहले मेनिस्कस बेटा ऐसे था, फिर धीरे धीरे मेनिस्कस यूं हो गया, वो बड़े स्फीयर का पार्ट होता गया। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि आर डैश इज मोर देन आर। बल्कि मेरे बच्चे यहां से एक बात और बोल सकते हैं कि एच इंटू कैपिटल आर देखना गया इज इक्वल्स टू एच डैश इंटू आर डैश। बड़ा देखना एच इंटू आर इज इक्वल्स टू एच डैश इंटू आर डैश, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बड़ा टू एच अपॉन रो जी आर है। तो आप कह सकते हो कि हाइट आधी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिजल्ट्स हैं बेटा, तुम चाहो तो याद कर लो, बाकी बेटा मैंने आपको इनके पीछे के लॉजिक्स तो बताई दिए। चलिए बेटा, ये कहानी थी बेटा सरफेस टेंशन की। मैंने लगभग लगभग बेटा सारी बातें बता दी इसके अंदर, मैंने अपने से कोई बात इसमें छोड़ी नहीं है, है ना। बट फिर भी सवाल तो बेटा और भी अच्छे अच्छे पूछ ही सकते हैं, वो बेटा आपके शीट में भी मिल जाएंगे, आपको डीप में भी मिल जाएंगे, आप उनको करते भी रहना। जेई मेन में तो मान के चल लो बेटा हमने कोई भी सवाल किया होगा फ्लूड के अंदर, उसके बाहर से नहीं आएगा, हमने जो किया होंगे उसके अंदर से आएगा, ठीक है, मान के चलना। एडवांस में तो ऑफकोर्स बेटा पढ़ाने का तरीका अपना इस तरह का था कि तुम्हारा तो आई क्यू बढ़े, एप्टीट्यूड बढ़े, तुम्हारे पास सारे के सारे टूल्स हों, सारे सारे वेपन्स हों, बाकी लड़ना तो तुम्हें ही है ना। चलिए बेटा कल स्टार्ट करते हैं अपन, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, बट दैट इज इलास्टिसिटी।